हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लास में। दोस्तों, हम लोग ने पिछले वीडियो में बात की थी एल्कोहल का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें OH समूह उपस्थित होते हैं उसे एल्कोहल कहते हैं। हम लोग आज का आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं वो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि में जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है, इसकी सबसे सामान्य विधि कौन सी है, हम लोग आज पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की सामान्य विधि। इसमें पहली हेडिंग है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा किस तरह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाया जाता है। और आपको बताएगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तो आप समझते हैं कि ऐसे समूह जिसमें एक ही OH समूह उपस्थित होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर? तो पहला है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनते हैं। जब एल्किल हैलाइड्स को सोडा लाइम यानी NaOH के साथ या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में जो अभिक्रिया कराते हैं यानी गर्म करते हैं तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए पहले एक एक करके देख लें। जब RX को इसके साथ में NaOH के साथ में जो अभिक्रिया कराते हैं यानी हीट करवाते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो क्या बनता है? देखो, जिस तरह से आदमी मतलबी होते हैं, कोई भी इसमें ले लीजिए, सब मतलब की यारी है। ठीक है, जब मतलब हट जाता है तो यारी हट जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये भी बड़े मतलबी है, कोई नहीं मिला तब तक ये आर के साथ में संयुक्त रूप से बने रहे, हैलाइड प्रमोट आर के साथ। लेकिन जैसे ही देखा कि वाओ यहां पर तो कोई और है, तो ये आर का साथ छोड़कर के एक्स सोडियम के साथ चला गया। ठीक है, देखिए वाह क्या है, क्या देखिए क्या बात है। ये देखिए आर यहाँ है, यदि यहाँ है, जैसे ही आपने अभिक्रिया करवाया ये NaX के साथ में जुड़ गया, यानी X कहाँ चला गया, NaOH, और वो एक भी साथ जब छोड़ दिया तो इसकी भी मजबूरी हो गई और वो ROH के साथ में जुड़ गया। तो किस तरह से बने R वो H, जो X था वो निकल गया, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ये एक बन गया और ROH है, तो ROH प्लस क्या NaX, ये क्या बना, यही आपका अल्कोहल है। ठीक है, ये आपका अल्कोहल है और ये बना आपका सोडियम हैलाइड। क्लियर? अब देखिए इसके स्थान पर कोई ले लीजिए योगी, ये है आपका जैसे CH3CH2Br क्या है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस NaOH को आपने क्या किया, वही हीट किया, और जैसे ही हीट किया एक्टिविटी बढ़ी तो क्या हुआ, ये सोडियम Br से जुड़ गया, Br सोडियम के साथ में जुड़ गया और ये CH2 आपका कहां चला गया, CH3CH2OH से जुड़ गया, तो बना आपका CH3CH2OH प्लस ये NaBr आपका निकल गया। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि जब एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि आपको सूत्र याद रखना जरूरी है, किसी भी यौगिक का तत्व का जब तक आप सूत्र नहीं जानेंगे तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए आप दिल के अंदर एक चीज जान लें कि आपको सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाम ही नहीं जानोगे तो आप क्रिया किसे कराओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, ये आपका है एथिल ब्रोमाइड, ये है सोडा लाइम। अब ये बन गया आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में, क्या बना, एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल बन गया, एथेनॉल बन गया और ये बना आपका
सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जलावर्टन हुआ किसका, एल्केहाइड का, किसके साथ, एनएएच के साथ। ठीक है, बन गया, समझ में आया। अगला उदाहरण देखें, बता दें। हाँ अगला देखें, जब एल्केन हैलाइड्स को नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में जब क्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है, तो आर एक्स यहां है और ए जी यहां है, तो ए जी एक्स अलग बन जाएगा और ओ एच यहां बन जाएगा, तो बनेगा आर ओ एच प्लस ए जी एक्स यहां हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या बना, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसी को कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये आपका सिल्वर हैलाइड है। सिल्वर हैलाइड क्यों है, क्योंकि इसका सिल्वर का सूत्र, चांदी का सूत्र क्या है, अर्जेंट, मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अर्जेंटम से हुई है, किससे, अर्जेंटम से। तो अर्जेंटम का सूत्र यानी सिल्वर का सूत्र क्या है, Ag। इसका लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम। देखिए लैटिन नाम आपको जानना जरूरी है, जैसे कार्बन का लैटिन नाम कार्बो, सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम, सोना गोल्ड का लैटिन नाम है ऑरम, ठीक है, और प्लम्बम किसका सूत्र है, पीवी है ना, लेड सीसा मिरर को आप प्लम्बम कहते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपके लैटिन नाम है उनको याद रखना आपको जरूरी है, अगर ना आता वो नाम तो आप कमेंट बॉक्स में जिन जिनका नाम नहीं आता है उसको भेजेंगे हम भी देंगे। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए इसके स्थान पर कोई चीज ले, इसके स्थान पर लेते हैं CH3CH2Br प्लस AgOH। जैसे AgOH से क्रिया कराते हैं इसको हीट करवा देते हैं, बस हुआ क्यों, ये चला गया यहां और ये चला आया यहां, यानी CH3CH2 ये बना पास CH3CH2OH बन गया ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया। AgBr बन गया, AgBr, ये आपका एथेना, ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये है क्या, ये क्या है, इसे कहते हैं एथिल ब्रोमाइड, और ये है नम सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्चर सिल्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बने रहें हमारे साथ।